शैतान राजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको नोज ब्लीडिंग की काजेज, उसका सबसे आसान हाल जो आज तक आपने नहीं सुना होगा, बताऊंगा। नोज ब्लीडिंग जो होती है वो अक्सर गर्मियों में होती है और इसकी बहुत सी वजूहत हैं। आज मैं आपको दो टिप्स दूंगा, उन दो टिप्स से आप बहुत जल्द यानी कि 2-3 मिनट्स में अपनी नोज ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि उसे बिल्कुल रोक सकते हैं। वीडियो की जानब बढ़ने से पहले इसमें मामूल नहीं आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा लें ताकि मजीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। सबसे पहले बात करते हैं नोज ब्लीडिंग की काज पे। नोज ब्लीडिंग जो होती है वो आमतौर पर गर्मियों में देखी गई है और इसकी एक बड़ी वजह है, गर्मियों में आमतौर पर जो विंड होती है, हवा होती है, वो खुश्क हो जाती है। खुश्क हवा जब हम इनहेल करते हैं, अंदर ले जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे नोज के मसल्स कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। नोज के मसल जब सुखड़ना शुरू होते हैं तो थोड़ी सी ठेस पहुंचने से वो अपनी जगह से हिल जाते हैं और नोज ब्लीडिंग का बायस बनते हैं। उसकी एक बड़ी वजह और एक और बड़ी वजह भी ये है कि कुछ लोगों के आमतौर पर जो नाक की हड्डी है वो टेढ़ी होती है। टेढ़ी हड्डी होने की वजह से थोड़ी सी भी चोट लगे या फिर उसे ठेस पहुंचे तो वो नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। चलिए चलते हैं अपने टिप्स की जानिब। सबसे पहले मैं आपको एक टिप बताऊंगा, वो ये है कि आपने 3-4 अंगूर लेने हैं या फसवे जरूरत लेने हैं, जिससे 5-7 कतरे पानी के निकल आए। उसके बाद आपने इन 5-7 अंगूर वो आपने एक कपड़े में रखना है, कपड़ा अच्छा हो और साफ हो, और कपड़े में रखकर आपने उनको अच्छी तरह ग्राइंड कर देना, जैसे कि पीस देना है, और पीसने के बाद किसी बर्तन में उनका पानी जो जूस निकलेगा वो रख लेना है। जूस को आपने नाक में 2-3 कतरे डालने हैं। इनसे इंशाल्लाह बहुत जल्द, यानी कि फौरन आपका नोज का जो ब्लीडिंग हुआ वो स्टॉप हो जाएगा। दूसरे नंबर पर, अगर आप अंगूरों का मौसम नहीं है, आपके पास अंगूर अवेलेबल नहीं है, तो आपको एक अटकल पचू मेथड बताता हूँ। इसमें मेथड में आपने ये करना है कि आपने एक कागज का साफ टुकड़ा लेना है और उसे जला लेना है, किसी प्याले में रखकर जला लें, इससे आपके जो है ना जाया नहीं जाएगा। उसके बाद इस जो जले हुए कागज का टुकड़ा होगा उसे आपने बिल्कुल बारीक पीस लेना है और 2-3 कतरे उसमें कलवंजी के तेल के डालने हैं। याद रखिए, कलवंजी के तेल के डालने हैं और डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेना है किसी भी चीज के साथ। मिक्स करने के बाद आपने इसके 2-3 कतरे आपने नाक में डालने हैं। इंशाल्लाह इससे भी बिल्कुल फौरन ही आपके नाक में से जो ब्लीडिंग शुरू हुई होगी वो रुक जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मजीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। खुदा हाफिज।